मुजफ्फरनगर पहुंचे हैं, प्रेस वार्ता की गई है, क्या उद्देश्य था मुजफ्फरनगर पहुंचने का, पूरा मामला बताइए। जैसा कि आप सब लोगों को पता है पिछले कुछ दिनों में घटी जो घटना घटी है, जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, उसके बारे में मैं बार बार कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे इतना दुख होता है और मेरे समाज के लोगों को भी, वो इतना परेशान हो जाते हैं उस चीज़ को लेकर। और जो ये अन्याय हुआ है वो मेरे साथ साथ मेरे समाज के साथ और मेरे समाज के जुड़े हुए जो लड़के थे जो हमारे घर आए थे, उन लड़कों में से 6 बच्चे यहाँ पर हैं। आप उनसे भी सुने कि उनके साथ क्या हुआ, क्या अन्याय हुआ, वो अन्याय अपने बारे में मुझसे ज़्यादा बता पाएंगे। तो जिस समय ये घटना हुई, किसके दोषी मानते हैं आप लोग? डॉक्टर महेश, राजेंद्र अग्रवाल, ये मुद्दा शुरू हुआ था सिर्फ एक 6 इंच के पौधों से। आप खुद ही बताओ कि क्या पौधों को उखाड़ने के लिए एक महिला जो शराब के नशे में थी, जिसने नशा किया हुआ था, वो 3 टावर छोड़ के, आप खुद ही समझ सकते हो कि अगर आपत्ति हुई किसी को मेरे पेड़ों को लगाने से तो मेरे पड़ोसियों को होती। और जैसे कि कह रहे हैं कि ना तो वो RWA में थी, पहली बात तो जो हमारी सोसाइटी में जो RWA है वो अनरजिस्टर्ड है, वो सब कुछ फर्जी है, 3 साल से उसको रिन्यू भी नहीं कराया जा रहा है, बल्कि उनके ऊपर तो FIR होनी चाहिए। मैं ये बात भी रखूँगी अपने समाज के सामने कि उनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। वो लोग करोड़ों में 1300 फ्लैट से उनके खून पसीने की कमाई को इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं कि उसका हर तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं। अपनी दादागिरी हम नहीं दिखा रहे, दादागिरी तो वो दिखा रहे हैं। हम लोग तो ग्रामीण समाज से जुड़े हुए लोग हैं, हमारी तो प्रवृत्ति ऐसी है, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे परिवार ने तो हमें सिर्फ ये सिखाया है कि अगर किसी को परेशानी हो उसकी जाति और धर्म को ना पूछ कर हम उसे अपना पीड़ित एक परेशान आदमी समझकर उसकी मदद करें। तो हम तो हमेशा मेरे त्यागी समाज के लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया है और जो मेरी परेशानी थी उससे जुड़ी हुई बातों को उन्होंने इस पत्र के द्वारा रखा है। तो मैं तो उनके सम्मान में कि वो मेरी न्याय की लड़ाई में मेरे साथ हैं, उनके लिए यहाँ आई हूँ। और जो वो 6 बच्चे थे जिनसे मैं नहीं मिल पाई थी, जिनको गुंडा कहा गया, जिन पर गैंगस्टर लगाई गई, जिन पर गलत धाराएँ लगाई गई, जो आज मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं उनसे मुलाकात करने आई, उनकी परेशानी को पूछने आई, क्योंकि मुझे लगा था कि तब मुझे नहीं मिला, मिलने दिया गया, आज मैं उनसे मिलने भी जाऊं, उनकी परेशानी भी पूछूं और आप लोग उनसे भी पूछो ना उनकी परेशानी क्या थी। आप क्यों नहीं, आप आपके पति जो है श्रीकांत त्यागी जी, काफ़ी समय से नीतीशा त्यागी, मैं श्रीकांत त्यागी की बड़ी बहन हूँ। हमारा उद्देश्य ये है कि जो हमने 21 तारीख को महापंचायत रखी थी, हमारी जो मांगे मांगी गई थी, अब उनको पूरा दिन होने वाला है, 15 दिन का समय मांगा था सरकार ने जो हमने दिया, और वो पूरा समय होने वाला है। तो हम ये चाहते हैं कि अपनी मांगों को रखें कि उनके बारे में आगे क्या है, आखिर आगे क्या हो रहा है, हमारी मांगे पूरी हो रही हैं या उन पर क्या कार्यवाही हो रही है। समय पूरा होने वाला है तो हम बस यही रखना चाहते हैं सरकार के सामने कि जो हमने मांगे मांगी हैं उसके बारे में हमें पता चले। देखिए वो उनका निजी सुरक्षाकर्मी है, वो उनका बहुत खास है, अगर वो गालीबाज भी है तो वो कोई बुरा व्यक्ति नहीं है। श्रीकांत त्यागी एक अलग शख्सियत थी जो उनके शायद राजनीतिक दुश्मनी होगी या वो चाहते होंगे कि वो राजनीति में आगे ना बढ़े, उसको वहीं पर रोक दिया जाए। तो उसके छोटे से प्रकरण को महेश शर्मा ने इतना बड़ा बना दिया कि उस पर गैंगस्टर रख के उस पर इनाम रखवा दिया 25,000 का, और एक आतंकवादी सिर्फ एक उसकी एनकाउंटर की कमी रह गई थी, शायद वो भी पूरा हो गया होता अगर एक दिन और, अगर हमारा समाज हमारे साथ ना होता तो एनकाउंटर भी करा दिया जाता। एक मामला और सामने है कि मेरठ से गिरफ्तार किया गया। देखिए अब हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि वो सरेंडर है या जी, उसके बाद वो सीधे जेल में है जी, हमें नज़रबंद किया गया।